said it for 3 years, now let's see. Depends. Your son was very small last time when he was like 15. He couldn't walk also. Now he runs. प्रणाम। ओम गणेशाय नमः। आप मेरे घर आए गणपति मनाने। वैसे पुणे में मैंने ये जो रिवाज है पिछले साल से शुरू किया था और हमने डिसाइड किया था कि हम 3 साल के रखेंगे और डेढ़ डेढ़ दिन के लिए, और आज दूसरा साल है। ये सब जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये सब पूनम का आइडिया है, मेरी माँ का आइडिया है, मेरी साली का आइडिया है, उन सब ने किया है। और मैं आपको पहले डेकोरेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने गणपति से मिलवाता हूँ। आई दिस इज, तो ये यहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट होता है और यहाँ ये पूरी लॉबी में आप देखेंगे। हाँ बोल दो। ये वो गणपति नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये गणपति हमेशा यहाँ रहते हैं हमारे घर के बाहर। पहरा देते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, लेकिन इनकी भी सजावट हम हमेशा करते हैं। और अब मैं आपको, अब वक्त आ गया कि आप हमारे गणपति से मिलें, तो चलिए देरी किस बात की भाई। आइए 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 आइए। और ये है हमारे गणपति महाराज स्कूल और ये है मेरी वाइफ जिन्होंने ये सारी डेकोरेशन की है, द क्रेडिट गोज टू हर। मेरी माँ आई है दिल्ली से गणपति मनाने के लिए और ये सब उन्होंने भी किया है, और ये मेरी प्यारी प्यारी साली हैं इन्होंने भी किया है। ये मेरे फादर लॉ हैं और इनसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। ये है मिस्टर विजय आलवा, ये मेरे ट्रेनर हैं, ही इज़ माई ट्रेनर। ये मेरे को किक बॉक्सिंग और मेरी जो फिटनेस का राज है वो मिस्टर विजय आलवा है। हाँ, ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, मेरा और पूनम दोनों का। पूनम का मतलब अभी तो स्टार्ट किया उसने, सो डोंट लुक इनटू दैट। ये सबसे बड़ी बात, ये मेरे गणपति के कलेक्शन से आप, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा एक अच्छा सा राउंड मारे मेरे गणपति की तरफ। दिस इज माई मेजर गणपति कलेक्शन। और ये है मेरे गणपति पापा मोरे। मैं गणपति के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं बॉम्बे आया था तो लोग पूछते कि श्रद्धा कहाँ से शुरू हुई थी। मैं ट्यूसडे के फास्ट बहुत सालों से रखता हूँ, और जब आप दिल्ली में होते हैं तो वहाँ पे ट्यूसडे के फास्ट हनुमान जी के माने जाते हैं, लेकिन बॉम्बे में ट्यूसडे के फास्ट गणपति जी के माने जाते हैं। और एक अंदर से ही था कि मैंने ये सबसे पहले गणपति कलेक्शन स्टार्ट की, मेरा एक फ्रेंड था उसने मेरे को पहला गणपति गिफ्ट किया था, और उसके बाद से कुछ मेरी ऐसी अटैचमेंट हुई। गणपति विसर्जन और गणपति फेस्टिवल मनाना एक, वैसे तो कोई भी कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझमें शायद वो हिम्मत नहीं थी जब तक कोई मेरे साथ ना हो। तो जब पूनम मेरी लाइफ में आई तो उन्होंने कहा कि हम आर्यवीर पैदा ही हुआ था मेरा बेटा, तो क्यों ना हम गणपति घर पे रखें। तो हमने 3 साल के गणपति डिसाइड किए और ये दूसरा साल है। एंड आई वुड से जो भी है उनका आशीर्वाद है जो भी आज मेरे पास है। अगर हम नचपली में जहाँ तक पहुँचे वो उनकी वजह से, आज हम खाली बैठे हैं तो उनकी वजह से, और कल काम भी करेंगे तो उनकी वजह से, क्योंकि वो हर चीज़ बड़ी सही तरह प्लान करते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ जो वो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, तो ये जो हम आराम भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट पूनम ना।